अनुभव, वहां की तस्वीर भी दिखाइए और बताइए कौन कौन वहां पर मौजूद है और कितनी हलचल वहां पर शुरू हो गई है तारीखों के ऐलान के काउंटडाउन के साथ ही। देखिए बिल्कुल, आज भारत निर्वाचन आयोग 5 राज्य जहां पर इलेक्शन होने हैं वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और उसके साथ ही आचार संहिता लग जाएगी। और हम बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है, अगर हम आपको दिखाएं तो फिलहाल आज बहुत कम यहां पर हमें चहल पहल दिख रही। इधर ज़रूर कुछ ज़िले के लोग आए हुए हैं लेकिन ये जो मुख्य दरवाज़ा है यहाँ पर तो नहीं भीड़ दिख रही है। क्यों? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, सब अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। कुछ कार्यकर्ता हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं कुछ जिलों से जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसका इंतज़ार था, कब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और आज वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, गोवा भी है, मणिपुर भी है, इन सारे राज्यों में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2017 की अगर बात करें, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे जी। 11 तारीख से शुरू हुए थे, 11 फरवरी से और 8 मार्च तक चले थे और माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ यही स्थिति रहेगी, यानी जो फेजेस हैं वो 7 से कम तो नहीं होंगे, बढ़ जरूर सकते हैं क्योंकि कोविड है। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि कम जिलों में कम सीटों पर एक एक बार में वोटिंग कराई जाए। 2017 की बात करिए तो 15 जिलों में 11 तारीख को जब वोटिंग शुरू हुई थी 11 फरवरी को, तब 15 जिलों की 75 सीटों पर एक साथ मतदान हुआ था। पर इस बार हो सकता है कि जिले कुछ कम हो, यानी 12 या 13 जिलों में एक साथ वोटिंग हो, 75 की जगह 60 या 65 सीटों पर वोटिंग हो, इसकी भी तैयारी है। क्यों? क्योंकि बूथ भी बढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 1,72,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बूथ हैं इस बार, पहले ये तकरीबन 1,68,000 थे। क्यों बढ़ गए? क्योंकि कोरोना की वजह से हर एक पोलिंग बूथ पर जहां पहले 1,200-1,500 लोग वोट काट करते थे, अब की तैयारी है कि एक बूथ पर 1,200 लोग ही वोट डालें और इस वजह से बूथ भी बढ़ चुके हैं। तो आज 3:30 बजे जब तारीखों का ऐलान होगा तब ये तय हो जाएगा कि 7 चरणों में हो रहे हैं, 8 चरणों में हो रहे हैं और कब कहां कहां वोटिंग हो रही है। 2017 में शुरू कहां से हुआ था यूपी का चुनाव? वेस्टर्न यूपी से, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था और ख़त्म कहां हुआ था? पूर्वांचल में। आखिरी जो चरण था 7वां चरण, उसमें 7 जिलों की अगर हम कहें तो 40 सीटों पर ही मतदान हुआ था। और इस बार बीजेपी ने एक अगर हम कहें तो चुनाव आयोग को एक लेटर भी भेजा है, पत्र भी भेजा है।